अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्पेशल जर्सी कढ़ाई, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और ये झटपट सी बन जाती है। एक कप ऑयल, इसमें डालूंगी आधा किलो चिकन, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और साथ में मुझे आधा किलो चिकन में चाहिए 4 टमाटर। जी तो जैसे कि मेरा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और ये देखें, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, साथ में टमाटर को कट कर लेती हूँ। और मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह टमाटर को कट करना है। और फिर इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दही जाएगी। और ये है 4 अदद टमाटर जो कि मैंने रखे काट लिए थे। अभी टमाटर के साथ फुल कुक हो जाएगी और फिर इसमें चले जाएंगे मसाले जार। इसमें मसाले में ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ इसमें लाल मिर्च आती है और नमक। 3 से 4 मिनट के लिए डाल दें। तो मैं आपको मसालों में बता दूं कि मैं सिर्फ ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ये पिसी हुई है जिसे आप क्रश चिली भी कहते हैं, और ये 1/2 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये आप स्पाइसेस जो हैं आपके, जो मिर्च आपने जायके के साथ ही डालें जो आपको सही लगे। तो मैं तो इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली का, और पिसी हुई मिर्च का मैं 1 टीस्पून ही आप डाल दें, तकरीबन ये 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चिली। इसका जो टमाटर में पानी छोड़ा हुआ है वो बिल्कुल फ्राई हो जाएगा और कढ़ाई में एक बहुत ही शानदार सा कलर आ जाएगा। और फिर मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून दही के, जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से फेंट लें। बस मैं इसमें इतनी ही दही डालूंगी, वो भी ग्रेवी के लिए। और इसमें टमाटर है, दही है, तो इसमें आप नमक ज़रा कम ही रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में नमकियात बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा खटास पहले से ही होती है। जी तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जी तो अब आपको चिकन कढ़ाई को देख सकते हैं। पहले मैंने वो बड़ी वाली टूब चढ़ाई हुई थी, इसके ज़रा कलर इसका अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको सिंपल लाइट की चल रही है और इसमें आप कढ़ाई देखिए। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसे मैंने लंबा लंबा करके काट लिया, मतलब कि अंदर से कट कर दिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी हरा धनिया डाल दी है। हैं
फ्लेम पर बिल्कुल स्लो, और माशाल्लाह से मेरी बहुत ही अच्छी सी देसी कढ़ाई रेडी है। अब मैं इसे कर रही हूँ कवर सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से मेरी जैसी चिकन कढ़ाई तैयार है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और एक दफ़ा तो ज़रूर ही इस कढ़ाई को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।